तस्वीर किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नहीं बल्कि ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन। जी हाँ, जैसे जैसे रामलला के विराजमान होने का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या नगरी सज संवर कर तैयार होती जा रही है। इस वक्त हम अयोध्या के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, जहां सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। हम आपको बताएं, 3 मंजिलों का ये इमारत है, 3 मंजिली इमारत, और इसके प्रथम तल पे वो तमाम सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, उन भक्तों के लिए जो यहाँ पे बाहर से आएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। प्रथम तल पे वातानुकूलित प्रतीक्षा रूम बनाया गया है, यानी कि वेटिंग रूम बनाया गया है, और इस तरह की तमाम सुविधाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस्केलेटर लगा है, और नीचे भी उस साइड पे प्लेटफॉर्म है, और यहाँ नीचे भी यात्रियों के इंतज़ार करने के लिए जगह बनी है, जहाँ पे तमाम कुर्सियाँ लगी हैं। हालांकि अभी यहाँ पे तमाम काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अब रामलला के अपने स्थान पे विराजमान होने की वो तारीख बिल्कुल ही करीब है। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 की वो तारीख जब रामलला अयोध्या में सदियों के बाद अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे बहुत ही तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम मजदूर जो हैं वो काम में लगे, और मैं बता सकता हूं कि कम से कम ये तैयारी अब अपने अंतिम चरण में ही है। साफ सफाई का काम चल रहा है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो काम होने थे वो तमाम काम हो चुके हैं। ये देखिए हमारे ठीक सामने से ये आगे रास्ता जाता है, और यहाँ से लेफ्ट दूसरी तरफ जब आप घूमेंगे तो प्लेटफॉर्म की तरफ, यहाँ से प्लेटफॉर्म की तरफ आप निकल जाएंगे। तो देखिए ये है अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जो सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। और अयोध्या वासियों का कहना है कि इस फैसले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्रभु राम अपने स्थान पे विराजमान होंगे, उसके बाद बहुत ही तेजी से अयोध्या की तस्वीर बदलती जा रही है। जहाँ एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा दिखने वाला रेलवे स्टेशन जो है उसका कायाकल्प हो चुका है। और आप यहाँ पे देखिए कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। देखिए मैं आपको पीछे एक बोर्ड दिखा रहा हूँ, जिस पे तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, स्टेयर केस, एस्केलेटर्स। इतने छोटे स्टेशनों पे इस तरह की तमाम चीज़ें खास करके हिंदुस्तान में आपको दिखाई नहीं देती। दिल्ली मुंबई जैसे रेलवे स्टेशन पे आपको एस्केलेटर दिख जाएंगे, लेकिन किसी भी छोटे स्टेशन पे आप चले जाएं तो इस तरह की सुविधाएं आपको नहीं दिखती। लेकिन अयोध्या में यहाँ पे प्रभु श्री राम की नगरी अवधपुरी का ये स्टेशन पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ठीक हमारे उस तरफ रेलवे लाइन है, फिलहाल इधर से ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था। अगर आप कभी हवाई अड्डे पे गए हैं तो आपने देखा होगा तमाम गेट एक लाइन से बने होते हैं, और बोर्डिंग पास के साथ आपको ये बताया जाता है कि आप फला गेट से अपने विमान की तरफ प्रस्थान करें। कुछ उसी तर्ज पे यहाँ पे भी ये तमाम गेट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने इधर गेट नंबर 9, 10, 11, 12 ऊपर ये तमाम नंबर लगे हैं, और कुछ इस तरह से सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया। आप कह सकते हैं इस रेलवे स्टेशन को देखकर कि बिल्कुल ही आधुनिक है, और यहाँ पे आने के बाद भारतीय रेलवे की एक अलग छवि नज़र आ रही है। जी हाँ, एक अलग छवि नज़र आ रही है। ये रेलवे स्टेशन कोई बहुत नया नहीं है, दशकों पुराना, कई दशक पुराना ये रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन है अयोध्या जिले में, जिसे कैंट रेलवे स्टेशन कहते हैं, लेकिन खास करके ये जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है इसे पूरी तरह से सजा संवार कर तैयार कर दिया गया है, क्योंकि तारीख बहुत ही करीब है। इस वक्त हम अयोध्या रेलवे स्टेशन के दूसरी मंजिल पे मौजूद हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तमाम तरह की वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आप किसी मेट्रो सिटीज़ के भी रेलवे स्टेशन पे जो चीज़ें आपको नहीं दिख पाती। मैं आपको बताऊं कि पहले फ्लोर पे और तमाम सारे वेटिंग रूम और स्वास्थ्य संबंधी वो जितनी सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। वहीं अगर हम दूसरी मंजिल की बात करें तो यहाँ पे महिला प्रतीक्षालय से लेकर
जनरल वेटिंग रूम। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, दूसरी साइड, एक साइड पे जहाँ वेटिंग रूम है तो वहीं दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानों के लिए जगह बनाई गई है। ठीक हमारे सामने आप वो बोर्ड देख सकते हैं जिस पर लिखा है दुकान, और ये तमाम दुकानें रहेंगी जहाँ पे खाने पीने से लेकर वो तमाम ज़रूरत की सामान जो यात्रियों को चाहिए होगी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो ये स्टेशन तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है और हम कह सकते हैं कि अब बस कुछ दिनों की बात है कि ये पूरा स्टेशन भक्तों के लिए तैयार मिलेगा। तो ये तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पे, जहाँ तक बात की जाए वेटिंग रूम, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन तमाम चीज़ों की जो सुविधा है वो यहाँ उपलब्ध है। और इसके साथ एक पूरी सीरीज है यहाँ से वहाँ तक, ये तमाम तरह की दुकानों के लिए यहाँ पे जगह बनाया गया है जहाँ से यात्री जो भी भक्तजन अयोध्या को आएंगे और अगर रेलवे स्टेशन पे किसी प्रकार की ज़रूरत की सामान उन्हें चाहिए होगा तो वो रेलवे स्टेशन पे ही मौजूद होगा, उसके लिए उन्हें बाहर जाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अवधपुरी अब पूरी तरह से सज कर तैयार है और बस इंतज़ार है उस तारीख को जब रामलला विराजमान हो जाएंगे।